बेटा तो काज झूठी खबर न पड़ रहा है मैं तन्ने मेरी राशि पढ़ के बता दे का आयो ए अम्मा आवाज ना आ रही पहले धुआं निकालो मुंह से लट के मारो सूदो कर दूंगी चुपचाप नहीं पढ़ दे पढ़ तो रहा हूं देख बुढ़िया की वैसे तो दोनों टांग कवर में पर राशि की देख कैसे पड़ रही है रात को ऐसा टोटका करूंगी सवेरे को मरी पाऊंगी पूरे अम्मा अब तो गई तुम तुम्हारी राशि में रहोगे तो है ही नहीं सिर्फ सही नाच राज में तो सनी नाच रहा और क्या लिख रहा भैया मैं और अम्मा इसमें ये भी लिखा है तुम्हारी बहू की मुराद जल्दी पूरी होने वाली है बहू की मुराद पूरी होने वाली है अरे ऐसे कहा मुराद मांगी था ना मैं तो 20 साल से एक ही मुराद मांग रही हूँ जो बुढ़िया है ना कैसे तू लग जा खून पी रखा मेरा ओ बेटा कहा कह रहा है ये मैं मरवाना चाह रही है ओहो हिम्मत नहीं जा रही है रात में रोटी ना खाने दिखा वैसे अम्मा जिम तुम्हारे वो चले बस आगो बहू की बात ना अभी तो बेटा प्रॉपर्टी मेरे नाम है काल का बेदखल कर दूंगी अम्मा मुझे मत लाया करो अपनी सास बहू की लड़ाई में इसमें मुझे अखबार पढ़ दो अपना खुश उल्टाओ देखो क्या आया अखबार में आज शराबी का बेटा बना आईएएस ऑफिसर कहा बाप के लिए खुलवाऊंगा शराब खाना देख रही है तू पूछती है ना क्यों पीता हूँ शराब मैं इसलिए पीता हूँ ताकि मेरे बेटे कहीं कामयाब हो जाए लेकिन नहीं इस सालों को तो बाप ही चाहती है बैठना है और वैसे है कहीं दोनों मुझे क्या पता अपना फोन करके पूछ लो हाँ एक तो दोनों बेटे को बड़े बड़े फोन दिला दिए बाप चला रहा है गुटका सा कहते साले पापा फोन दिला दो ऑनलाइन पढ़ाई करनी है इन सालों की क्या पढ़ाई हो रही है मुझे ही पता है कल मैंने फोटो डाली कैसी लगी एकदम मस्त लगी अब कितना मस्त लग रहा है यार तू लौंड या फ्लैट हो जाएंगी फ्लैट अच्छा मेरी गुलाबी शर्ट कैसी लग रही गुलाबी में तो तू मस्त लगे यार एकदम राजा बाबू लगे कोई कसर ही ना सफेद ही हो सफेद और रुजा भी लाइक कर रहा हूँ देख पापा का फोन आ गया पर पापा की वजह से नहीं देख पाया मैं तेरी फोटो ले आप तू बात करी मुझे मैंने करा फिर बात कर ले मैं नहीं कर रहा लाइक ना करने का हूं हेलो कहाँ पे दोनों घेर में किसके अपने क्या कर रहे हो यार घर आ जाओ ना रे कभी मर जाओ बिल्कुल ना हुए अरे पबजी खेलेंगे अब सालों निकम्मो खिलाऊं तो पबजी अभी ये देखो क्या आया अखबार में कुछ शर्म वरम है तुम्हें नहीं है ये देखो क्या आया है रिक्शा वाले का बेटा बन इंजीनियर पे तुम कम नाम रोशन करोगे मेरा अरे वो बात तो ठीक है पापा पर यह उम्र में तुम रिक्शा चलाते कोई अच्छे लोग होगे देख रही हो अम्मा तुम्हारे पोते कितनी जुबान कैसे भी हो रही है ये साले बाप से फालतू बोल रहे हैं हाँ तो भैया मैं तो पहले तो ना बताया करूँ अपनी मेहतारी पे गए हैं बिल्कुल हाँ अम्मा ये बात तो मुझे ही पता थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था लेकिन आज जब बात मेरे वचन पे आ गई है तो मैं बोल के रहूंगा ये औलाद इसी की बिगाड़ी हुई है मेरे से और मेरी औलाद से फालतू बोलने की जरूरत ना रोटी ना देने की रात में वैसे हमें तुम्हारी जीवी बहुत चले देख उठ के बाद मैं तैयार है अपनी औलाद माँ सुधार लियो माँ सुधार पहले तू अम्मा मैं तो इनसे कह गया थक गया कुछ काम ना कर लो लेकिन सुला के समझ नहीं आती अरे पापा मैं खुद इससे कहता कहता थक गया अबे अब तेरी बारहवीं करे हुए थे 2 महीने हो गए अबे अब तो कुछ काम धंधा कर ले हाँ बेटा कम से कम इसने बारहवीं कर तो ली तेरे पे तो वो भी नहीं हुई कब जिम्मेदारी लेना सीखेगा तू कब जिम्मेदार बनेगा ओए भैया तू इनता फालतू तो बोल रहा मत मेरी राशि वैसे ही बुरी आई है कदे मैं मर मर आ जाऊं तो उनके ब्याह कर दे मैं सब जिम्मेदार समझ जाएंगे ये हाँ तो अम्मा सही कह रही है ब्याह कर दो मेरा हाँ तेरा कैसे हो जाएगा बड़ा तो मैं हूँ पापा पहले मेरा होएगा पहले बारी मैंने करी ना मेरा होगा ना मेरा होएगा अम्मा तुम देख रहे हो लक्षण इनके ब्याह की बात आती मैं करूंगा ये ना सुधरने वाले ब्याह करने के बाद भी ओए सब सुधर जाएंगे ब्याह के बाद तेरा बाप सुधर गया यहाँ तक कि तू भी सुधर गया तो ये क्यों ना सुधरेंगे अरे अम्मा मैं कहाँ से ब्याह कर दूं इनका कोई नहीं गाली दे सके छोड़ ना देने का तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत ना मेरे गांव के और खूब छोरी आएंगे वहां से कर लाऊंगे अपने बालकन के ब्याह ओए हम ना करें वहां पे ब्याह तेरे उम्र की सारी छोरी बेकार है अम्मा तुम सही कह रहे हो सारी की सारी बेकार है ज्यादा जीप चल रही देखा अब दूंगी तुम्हें रोटी अम्मा वैसे तुम्हारी जीप भी बहुत चल रही है आज आगो बहू की बापन में
अपने आप कर लो अपने बाल कन के भैज करने मोते मत कहियो नाचने की भी। हाँ बढ़िया तेरे से कोई क्या भी ना नाचने की, मेरी बहन बता रही है नाचने को। और बाल का तुम तैयार हो जाओ, मैं फोन कर रही हूँ, साहब के रिश्ते वाले आ रहे हैं। चलो ढोल वाले बैंड बाजा लेके आ जाओ। अरे भाई साहब आओ आओ, नमस्ते नमस्ते, आओ आओ आओ। मकान तो बड़ा कैड़ा बना, क्या आराम का खा रहे हो? अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं, आओ आओ आओ। चलिए अरे अम्मा जी राम राम। पूरा राम राम भैया राम राम। अरे क्या दिन तक फोन कर रहा है तो हमारे केबिल मारो ससुराल से, मर कर निकल दो सारा। अरे अम्मा ये केबल वाले नहीं है, ये रिश्ता लेके आए अपनी बेटी का तुम्हारे पोते के लिए। अच्छा अच्छा रिश्तेदार है। और भैया ठीक हो तुम? हाँ अम्मा जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? ओला भैया कहा बताऊं तो है, बस तू कुछ पूछ ही मत। कैसे अम्मा जी क्या हो गया ऐसा? ओला भैया मैं चलूं तो मेरे पाम चले, मैं बैठूं तो मेरी कमर फटे, और मैं बाल काटने लग जाऊं तो मेरे बाल फटे, और भैया घर में काय सो कुछ कह दूं तो मेरी जीभ ज्यादा चले। मैं तो काट ही रही हूँ, कटना रही वैसे मुंह पर। अरे अम्मा तुम भी कहाँ की बात कहाँ करने लग गई, समधी जी आए हैं कुछ ठंडा गर्म पूछ लो। अरे समधी जी आप बताओ कुछ गर्म मंगाऊं, ठंडा मंगाऊं या फिर चलेगा? अरे नहीं नहीं भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप, अम्मा जी पास बैठी है, ठंडा ही मंगवा लो। ठीक है अभी मंगवाता हूँ। अरे संदीप जी के लिए ठंडी चाय लिया ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब मैं ठंडी के लिए नहीं कह रहा था, कुछ गर्म ही मंगवा दो आप। अच्छा गर्म लोगे? अरे संदीप जी के लिए गर्म पानी लिया ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब आप कुछ मत मंगवाओ, मैं तो भूल गया था आज तो मेरा व्रत है। अरे तो ये पहले बोलना चाहिए था ना, अब पानी गर्म हो गया अब कौन पिएगा उसे? भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? अरे भाई साहब तुम भी किन की बात में आ रहे हो, उनकी तो मजाक करने की आदत है। अरे बहन जी राम राम। राम राम जी राम राम। चाय बनने को रख दिया और अभी आ रही है। और अम्मा तुमने दो दिन से अपनी दवाई ना खाई है, रख दिया उन्हें खा लियो। अरे वाह आप दोनों को देख के ऐसे लग रहा है सास बहू में कितना प्यार है। और क्या भाई साहब मैं तो इन्हें अपनी सगी माँ से भी ज्यादा बढ़ के मानू। और भैया मैंने भी कतई अपनी बेटी की तरह मानी है, बेटे अपने लत्ता धोवे ना तो मेरे लत्ता पड़े हैं ना धो दे ही है। मैंने धोरी जाके खुद धो ले बुढ़िया। देख ले कितनी फालतू बोल रही है, मैं लत्ता भी ना धो रहे आप है। हैरी धो नहीं सके तो मैं कपड़े। रात में रोटी ना खाने दिखे। ए वैसे अम्मा कपड़े तुम भी धो सको अपने आप। कहाँ लेके मारा सूदा कर दानी कर ये तो फाल तो बुलवाऊँ अभी तो अपना। अरे अम्मा आप लड़ क्यों रही हो, छोटी बच्ची हो क्या? और भाई साहब आप देरी मत करो, जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं, जल्दी से आप अपने बेटे को बुला दीजिए। हाँ भाई साहब ही बुला रहा हूँ, अबे कहाँ रह गए बे जल्दी आओ। ये साले मेरी हर जगह बेइज्जती करवाएंगे। लो जी लो चाय पियो। थैंक यू बेटा। भैया ये मलूक से अंकल कौन बैठे हैं? ये तेरे ससुर हैं। ससुर मतलब नए पापा? हाँ नए पापा तो बहुत स्मार्ट है, पुराने पापा तो कहते भंडी थोत के। ये साले तो अभी से रंग बदलने लग गए। अच्छा तो ये बताओ बेटा कितनी पढ़ाई कर रखी है तुमने? अंकल जी मैंने तो 12वीं कर रखी है। तूने कब करी 12वीं? तुझे नहीं पता मैंने सोफे गर्ल्स स्कूल से करी थी, सूट पहन के गया हूँ मैं। अंकल जी मैंने 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है। अरे वाह बेटा आपने 12वीं कर रखी है, हमारी छोटी बेटी भी 12वीं में है पर वो भी एग्जाम की वजह से बहुत परेशान है। अरे अंकल जी उनसे कह देना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी आसान होती है, 12वीं बहन खुद ने 2-3 बार कर रखी है। ये साले रिश्ता तोड़वा के मानेंगे। ओआ भैया इनकी माया ये जाने, तू मोय नो बता तेरी छोरी कुछ करे भी है कि नूरा बल्ली डोल है। मेरी बेटी हीरोइन है, हीरोइन हम ना। हीरोइन? हाँ हीरोइन है, पूरे दिन इंस्टा पे रील बना हुआ है वो।
पूरे उसके 184 फॉलोअर हैं, 84। अरे वाह भाई साहब, वैसे एक बात बताओ, हमारा छोटा छोरा ना ये भी फौज में है। फौज में? और क्या, वो फंगड़ा ना फंगड़ा से पूरे दिन पबजी बजा रहा है। उत्ते की पोस्टिंग और हो गई है पोचिंग की में। अबे पागल औरत। ओरा भाई, आपको आखिरी बात तो मैं काहे को सुन रहा हूँ, तो बावली है, तो कोई और सवाल पूछना हो बालकन से तो पूछ ले। ठीक है अम्मा। अच्छा बेटा ये बताओ, दारू वारू तो नहीं पीते आप? अगर इंक्वायरी कर रहे हो तो ना। अगर ऑफर दे रहे हो। अंकल जी मैं बस पानी पीता हूँ, चाय पीता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा हाँ अपने बाप के खून पीता हूँ, पर मैं दारू नहीं पीता। वाह बेटा, दिल जीत लिया तुमने। भाई साहब आपका लड़का मुझे पसंद है, हीरा है हीरा। आपकी भाई साहब कोई मांग वांग तो नहीं है? देख बेटा मेरी सुन, तू बात ऐसी है तो हमें ना चाहिए तेरे पास कुछ भी। तू चाह अपनी छोरी एक साड़ी में भेज दे, पर जो को तेरा थोड़ी बहुत लाज शर्म हो ना तो गाड़ी दे दे। देख इस बुढ़िया का भरना ना भरा, कभी मेरे ब्याह में मांग ले और पोते के ब्याह में मांग ले, छाती पर धर कर ये जाएगी। अभी तो ये कह रहे थे कुछ नहीं लेंगे, एकदम से इन्होंने गाड़ी की डिमांड कर दी। इससे पहले ये और कुछ मांगे मैं रिश्ता पक्का कर देता हूँ। अच्छा भाई साहब मुझे रिश्ता मंजूर, आप शादी की तैयारी करिए, मैं चलता हूँ भाई साहब। अरे अरे भाई साहब चाय तो पी जाते। यार गर्म पानी भी करवा भाई, पिया है नहीं। ओ भाई अब तो मेरी शादी होगी। बढ़िया ले ले जितनी मौज लेनी है, फिर तो मेरा और मेरी बहू का राज रहेगा। तो गाइस अभी मैं घर पर आया और मैंने देखा कि हमारे घर गीत हो रहे हैं, शायद मेरी शादी है, तो चलिए सुनते हैं इनके गीत। पर भाई बेस कम है। हाँ बेस की कमी तो है, चलो हम इनको बेस देने की कोशिश करते हैं। डीजे साइन साइन साइन, डीजे साइन साइन साइन, डीजे साइन 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 साइन, डीजे साइन साइन साइन, डीजे साइन साइन साइन, डीजे साइन 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 साइन। आरोही तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। अरे लगता है आरोही ने सुन लिया। हेलो समधी जी, राम राम, ठीक हो आप? अरे ये तो समधी है। अरे हाँ समधी जी नमस्ते, कैसे हो? हाँ जी हम भी ठीक है। अच्छा समधी जी मैं ये कह रहा था कि छोटे बेटे का एग्जाम है आपके घर के साइड ही, क्या था दीदी के घर जाएगा, जब आए तो आप फोन उठा लेना उसका। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, वो मुझे फोन कर लेगा और आ जाएगा जी। ठीक है ठीक है ठीक है जी। साला रिश्ता हुआ नहीं, अभी साले घर पहले बैठने लग गए। बड़ा खुश हो रहा शादी हो रही है तो? यार ऐसे मत बोल, मैं शर्म आ गया। अच्छा फिर एक बोल रहा था कितने बच्चे करेगा? दो। अच्छा फिर एक काम कर, बड़े का नाम रखे इस्तेमाल, छोटे का नाम रखे विश्वास। ऐसा क्यों बस? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पॉइंट मार रहा है, पॉइंट मार। कॉल आ रही है। इसकी कॉल? अरे भाई फोन मत उठा, देख मेरी आंख फड़ गई है, कुछ गलत हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अबे हो गया तो? अरे कुछ नहीं हो रहा भाई अब। अबे हो गया तो? अरे नहीं हो रहा। हेलो हेलो, बे लौंडो कहाँ रह गए, यहाँ भाई की लड़ाई होगी, जल्दी आओ। उधर क्या लड़ाई होगी, रुक अभी आ रहे हैं। अबे कहाँ जा रहा पागल, दे मैं आंख फड़क रही है देख। अरे लड़ाई होगी भाई की। अबे कुछ गलत हो जाएगा। अरे नहीं हो रहा चल।
कौन सा बोला फालतू तो? अरे यार भाई हमारे गांव में कम से फालतू तो बोल रहा। चलो भाई भाई रुक जा हमें दाई आंख पड़क रही है कुछ गलत सुनो यार। इनका घर कहाँ है? मिली मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। हाँ भाई क्या फालतू बोल रहा है? भैया मैं नहीं बोल रहा, ये दारू पी के मुझसे फालतू बोल रहा था। तो क्या हो गया, हम भी तो दारू पीते हैं। तो बात का आयु को कर रहा मार नशाले। अभी तो साला रिश्ता भी नहीं हुआ, ये तो पहले से रोने लग गए। अरे क्या हो गया बेटा? अंकल जी आपको क्या बताऊं? बोले 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 बोले। बहुत मारा सालों ने। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, तेरे जीजा को तेरे साथ भेज रहा हूँ। अरे कहाँ हो बे? आओ भाजी। अरे नहीं बेटा, जीजा बोलते हैं उसे। जीजा? मेरी सास के? मेरा मतलब मेरे साले। अंकल इन्होंने तो मारा था मुझे हैं? अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ पापा जी रिश्ता कैंसिल, रिश्ता कराएंगे इनके सालों का। मैंने तेरे से कहा था ना मेरी आंख बड़क रही है कोई गलत होने वाला, और तू माना नहीं ना। सॉरी भाई, सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी। राम राम भैया। भैया तुम्हें हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो लाइक कर देंगे, और अब हम मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।